हाँ भाई, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एम आई ऑडिबल? ओके, सो इन लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डॉपलर इफेक्ट इन साउंड वेव्स। हमने डॉपलर इफेक्ट की शुरुआत की थी और हमने देखा था डॉपलर इफेक्ट का मीनिंग होता है द चेंज इन फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सोर्स जो साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, ऑब्जर्वर जो साउंड वेव को लिसन करता है, इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है जिसके कारण इनकी रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होती है और हमें मतलब ऑब्जर्वर को ऐसे फील होता है कि देर इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, देर इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी कॉल्ड एज एपरेंट फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। इसके हमने कल कुछ केसेस डिस्कस किए थे प्यारे बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सोर्स को स्टेशनरी रखा था, ऑब्जर्वर को मूविंग किया था। मूविंग के दो मीनिंग थे, या तो टूवर्ड्स या तो अवे। फिर हमने एक बार ऑब्जर्वर को स्टेशनरी रखा, सोर्स को मूविंग किया टूवर्ड्स या तो अवे, और एक केस हमने देखा या तो दोनों टूवर्ड्स मूविंग टूवर्ड्स या तो दोनों मूविंग अवे, करेक्ट। सो फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज और में डिक्रीज, उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला बनाया था। कैन यू टेल मी द फॉर्मूला? बोलो भाई, व्हाट इज द ब्लैंक फॉर्मेट फॉर फॉर्मूला? एन डैश इज इक्वल टू एन इन ब्रैकेट वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन V माइनस प्लस वी एस। जब ऊपर प्लस साइन आता है तो जनरली नीचे माइनस साइन आता है, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए, और जब ऊपर माइनस साइन आता है तो नीचे प्लस साइन आ जाता है व्हेन फ्रीक्वेंसी गेट डिक्रीजेस। क्लियर? एक एक टर्म इलेबरेट करो यहाँ पे। व्हाट इज एन? एन इज कॉल्ड एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स एमिटेड बाय द सोर्स। What is V? V is called velocity of sound in air. Velocity of sound in air. V naught is called velocity of observer. Velocity of observer. And Vs is called velocity of source. Vs किसे बोलेंगे भाई? Velocity of source. ठीक है, तो यहां तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कल मैंने आपको एक प्रॉब्लम होमवर्क में दिया था, आई होप आपको सॉल्व हो गया होगा वो। यस, आज हम मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर द प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट वी हैव ऑल गॉन थ्रू, दी सारे कॉन्सेप्ट हमारे गॉन थ्रू हो चुके हैं, सो वी आर फ्री टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन साउंड वेव्स। ठीक है, ओके सुजल, ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करो, मोर प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो एक आधा अच्छा प्रॉब्लम देखते हैं। उससे पहले हमने बीट के भी प्रॉब्लम दिया था, चलो एक क्वेश्चन है हमारे पास डॉपलर इफेक्ट क्या बोला है। देखो, साइरन एमिटिंग ए साउंड मतलब साइरन हमारे लिए क्या हुआ भाई? सोर्स हुआ है ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्स मूव अवे फ्रॉम यू हमसे वो अवे जा रहा है, अवे फ्रॉम यू टुवर्ड्स ए क्लिफ की ओर जा रहा है, वो पहाड़ी की ओर
एट 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड से वो अवे जा रहा है. पॉइंट नंबर वन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड यू हेयर. पॉइंट नंबर वन, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड यू हेयर डायरेक्टली फ्रॉम सायरन. सायरन से जो डायरेक्ट आवाज हमारे कानों तक पहुंच रही है उसका फ्रीक्वेंसी बताना है. नंबर टू, व्हाट बीट फ्रीक्वेंसी वुड यू हेयर. नंबर टू, व्हाट बीट फ्रीक्वेंसी वुड यू हेयर, वुड यू हेयर वुड यू हेयर क्वेश्चन मार्क. टेक स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. टेक स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज कितना दिया है, 330 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप. ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास. चलो, ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास. ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या दिया हुआ है. सायरन है जो कि साउंड एमिट कर रहा है 1000 हर्ट्ज. तो मैं सबसे पहले एक सोर्स ड्रॉ कर लेता हूँ, सायरन ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, ये मान लो हमारे पास में सोर्स है, सायरन है. ठीक है, और हम मान लो ऑब्जर्वर है. ठीक है, वी आर ऑब्जर्वर. ठीक है, सोर्स ऑफ सायरन इज मूविंग अवे. ये जो सोर्स है ये मूविंग अवे हो रहा है, वी एस इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड अवे जा रहा है. बट किसके तरफ जा रहा है, ये क्लिफ की ओर जा रहा है, क्लिफ की ओर जा रहा है. ठीक है, क्लिफ हमारे पास एक क्लिफ मतलब एक वॉल है. ठीक है, अच्छा, क्लिफ की ओर जाने से क्या होता है, आपको पता है क्लिफ इज अ रिजिड सोर्स. तो ये साउंड जो सायरन इमिट कर रहा है वो हमारे क्लिफ से रिफ्लेक्ट होगा और वापस हमें सुनाई देगा. यस और नो, यस और नो, यही वीएस जाएगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे डायरेक्शन में होकर हमें सुनाई देगा. क्या आपको दोनों कंडीशन समझ आई? रिप्लाई करो भैया. हैव यू गॉट दिस टू कंडीशन. साउंड वेव एक तो डायरेक्टली हमारे कानों तक सुनाई दे रही है सोर्स के कारण, और एक साउंड वेव जो रिफ्लेक्शन के कारण हमें सुनाई दे रही है, रिफ्लेक्शन के कारण. गॉट इट? तो वी विल हेयर टू फ्रीक्वेंसीज, हमें दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी. एक फ्रीक्वेंसी जिसमें सायरन अवे जा रहा होगा, देखो ऊपर के केस में, और दूसरे केस में हमें ऐसे लग रहा है कि क्लिफ से टकराकर साउंड आ रहा है. तो हमारे लिए क्लिफ सोर्स हुआ सेकेंड केस में, और ऐसे लग रहा है कि वो कैसा है, कमिंग टुवर्ड्स वाला सोर्स है. देखो ऐसे आ रहा है ना टकरा. व्हाट टू कंडीशन, बोलो भैया, क्या आपको दोनों कंडीशन समझ आई? समझ आई है तो बोलो. पहले वाली केस का नाम क्या है? पहले वाला केस का नाम है, बोलो जल्दी से, सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर. फ्रॉम कैसा ऑब्जर्वर? स्टेशनरी ऑब्जर्वर. देखो बाय डिफॉल्ट हमने इसको स्टेशनरी मान लिया. ठीक है, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला? फॉर्मूला होगा एन डैश इक्वल टू फ्रीक्वेंसी घटना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए. तो बोलो नीचे V माइनस वी एस आएगा कि V प्लस वी एस आएगा, जल्दी कमेंट करो. फ्रीक्वेंसी शुड बी डिक्रीज मूविंग अवे.
वेरी गुड सिद्धेश, वेरी गुड भाई, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करो, बी एक्टिव इन द क्लास, आपको खुद समझ आना चाहिए बाकी चीजें, कोई इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। प्लस आएगा, क्यों प्लस आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है मूविंग अवे के लिए। क्लियर? नाउ दैट्स इट, पुट द वैल्यू, मैं इसको एन वन डैश नाम दे देता हूँ। एन वन डैश इज इक्वल टू, बोलो भाई एन का वैल्यू कितना है, 1000 है, वी का वैल्यू 330 दिया है क्वेश्चन में, अपॉन 330 -10, VS का वैल्यू 10 दिया है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट सम वैल्यू, ठीक है, देख लो कितनी आती है, वो 1000 से कम आएगी, अप्रोक्सीमेटली 970 आ जाएगा ये, ठीक है, 970.6 आ जाएगा, 970 भी आया तो ठीक है आपके लिए अप्रोक्सीमेशन। हाँ प्लस आएगा भी, वेरी गुड, प्लस आएगा यहाँ पे 330,000 से कम हो जाएगी वैल्यू। क्लियर? ये नंबर वन, केस नंबर वन था ये। केस नंबर टू में क्या हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि क्लिप से टकराने के बाद साउंड हमारी तरफ आ रहा है, ठीक, तो नंबर टू लिखता हूं मैं, आफ्टर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्लिप वर्चुअल सोर्स, इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल सोर्स, मतलब ये रियल सोर्स नहीं है, बट हमें फील हो रहा है कि क्लिफ भी एक सोर्स है, फ्रॉम क्लिफ कॉमा कॉमा ऑब्जर्वर फील, ऑब्जर्वर क्या फील कर रहा है भाई, वर्चुअल सोर्स जिसको हम क्लिफ बोल रहे हैं, क्लिफ जिसको हम क्लिप बोल रहे हैं, वर्चुअल सोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स, आई बात समझ में, हमें ऐसे लग रहा है कि वर्चुअल सोर्स हमारी ओर आ रहा है, तो बोलो भाई ऐसा करने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है और फॉर्मूला में जहां माइनस प्लस लिखा था आपने वहां माइनस आ जाएगा, गॉट इट, दैट्स इट, काम खत्म, जस्ट पुट द वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगा, एन का वैल्यू 1000 है, वी का वैल्यू 330 है, अपॉन 330 -10, 330 -10, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा फिर से, जो कि 1000 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1031 आता है वो, एन टू डैश जो है 1031.3, ठीक है, सो डायरेक्ट साउंड के कारण 970, रिफ्लेक्शन के कारण 103, तो हमें पूछा है व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी, तो बीट क्या होता है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, बीट क्या होता है भाई, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, तो देयरफॉर बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एन टू डैश माइनस एन वन डैश इज इक्वल टू, कर लो दोनों का डिफरेंस, 1031 में से 970 माइनस करो, सो ऑलमोस्ट 60 आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट 60 आ जाएगा, ऑलमोस्ट 60 आ जाएगा, ठीक है, 60 या 60 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर है भाई टॉपिक, जिसको हम इको भी बोलते हैं, हम इको, इको का मीनिंग क्या होता है, इको वही तो बताता है कि थोड़ी थोड़ी देर में हमें साउंड सुनाई देते हैं रिफ्लेक्शन के कारण, एक क्लिप से रिफ्लेक्शन होगा तो एक बीट प्रोड्यूस होगा, एक बीट इन द सेंस एक केस में बीट प्रोड्यूस होगा, ऐसे 3 4 5 क्लिप रहेंगे, जैसे हम जाते हैं कहीं हिल स्टेशन पे तो हमें लगता है, ठीक है, अपने आसपास कौन सा हिल स्टेशन अच्छा है भाई, बोलो तो कमेंट करो, कहाँ पे तुमने जाकर चिल्लाया है जहां से साउंड रिफ्लेक्ट होता है, कमेंट फास्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट,
स्क्रीन शॉट ले लो भैया। हाँ महाबलेश्वर भी अच्छा है। अम्बोली घाट में नहीं आता क्या बस? हाँ भाई विग्नेश ने सही लिखा है। हाँ कोकण साइड जाओगे आप, रत्नागिरी साइड में जाओगे तो वहां पर भी हिल सकते हैं। हाँ चलो डन। ठीक है तो ये जो लेवल का सवाल हमने लिया है जेई मेंस में, इससे ज्यादा लेवल का सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है। हाँ एडवांस में एक काम ऐसे किया जा सकता है कि ऑब्जर्वर को या सोर्स को एट सर्टन एंगल रख देगा। व्हाट इज मीनिंग सर्टन एंगल, समझाता हूँ। देखो कोई खास लॉजिक नहीं है इसके, एडवांस के प्रॉब्लम भी इजी है। मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ सो दैट यू कैन सॉल्व इट। ये देखो मान लो मेरा ऑब्जर्वर ऐसा स्टेशनरी है, ठीक है, ये हमारा सोर्स है, सोर्स चल रहा है Vs की स्पीड से एट 30 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल। तो मुझे बताओ जब आप फॉर्मूला बनाओगे तो आप Vs लिखोगे कि Vs के कंपोनेंट लिखोगे, कमेंट करो, और कौन सा कंपोनेंट लिखोगे कमेंट पास, आप खुद बता दोगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है उसमें, कोई डिफिकल्टी नहीं है। जल्दी कमेंट करो। वेरी गुड, समझ गए आप लोग, सही। मैक्सिमम लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं कि सर इसका कॉस थीटा कंपोनेंट, कॉस 30 वाला कंपोनेंट टूवर्ड्स आ रहा है, ठीक है। साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसका तो नो रिलेटिव मोशन, देखो ऊपर नीचे है, वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसका नो रिलेटिव मोशन, दैट्स इट, बस इतना ही समझना था। वी कॉस थीटा पुट कर दोगे, ठीक है, तो जस्ट फील लाना है उसमें, बाकी कोई खास चीज नहीं है। चलो एक और अच्छा सवाल लेता हूं मैं, अब मिक्स क्वेश्चन चलेंगे यहाँ से। देखो भी क्या बोला है, कॉलम ऑफ एयर एंड ट्यूनिंग फोक, कॉलम ऑफ एयर एंड ट्यूनिंग फोक प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड, प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड, 4 बीट्स पर सेकेंड when sounded together, tuning fork gives lower note, note, क्वेश्चन लिख लो, समझाता हूं। टेम्परेचर ऑफ एयर इज 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है। व्हेन टेम्परेचर फॉल्स टू 10 डिग्री, जब टेम्परेचर फॉल्स टू 10 डिग्री, कॉमा टू प्रोड्यूसेस TW2 प्रोड्यूसेस, अब ये जो दोनों आपस में साउंड हो रहे हैं, प्रोड्यूसेस 3 बीट्स पर सेकेंड, 3 बीट पर सेकेंड, फुल स्टॉप।
फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसे और फिर समझते हैं, समझते हैं, समझते हैं, समझते हैं। चलो समझे, चलो ट्राई करते हैं। पहले समझो यह क्या हो रहा है। कॉलम ऑफ एयर एंड ट्यूनिंग फोर्क प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड। हमने जब एक्सपेरिमेंट देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में, मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेशन भी बताया था कि जब हम ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करते हैं तो वहां एयर कॉलम में वेव्स बनना शुरू हो जाती है, याद है? हम धीरे धीरे उसमें मारते चलते हैं, कब तक मारते हैं, जब तक पहला रेजोनेंस नहीं आता है, फिर अगली बार दूसरा रेजोनेंस आता है जब हम पाइप को थोड़ा बाहर करते हैं, याद आ रहा है कुछ? रेजोनेंस क्यूबिक थ्योरम। यहाँ पर हमें रेजोनेंस रेजोनेंस नहीं लाना है, यहाँ पे हमने क्या किया, इमेजिन करो ये मेरे पास में पाइप है ये छोटा सा, इसमें मैंने ऐसे ट्यूनिंग फोर्क मारा है, ट्यूनिंग फोर्क मारा, जिसके कारण क्या हुआ, ये पाइप में भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए, स्टेशनरी वेव बनी होगी, और दोनों के आपस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। देखो, जो साउंडेड टुगेदर 4 बीट्स पर सेकंड बना रही है, मतलब मेरे फोक की फ्रीक्वेंसी और ये पाइप में बनने वाले साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 4 का, मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में 4 का डिफरेंस है। अब डिफरेंस कौन बड़ा कौन छोटा, तो यहां दिया है 4 छोटा है, 4 gives लोअर नोट, मतलब हाइयर किसका होगा, पाइप का, पाइप का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। पहला केस समझ आ गया। ऐसा करते समय टेम्परेचर कितना था हवा में, 15 डिग्री, 15 डिग्री पे अच्छा खासा मुझे बीट मिला। फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर फॉल्स टू 10 डिग्री, ये जो पाइप का टेम्परेचर है, मतलब इसके आजू बाजू जो एयर है उसका टेम्परेचर घटा दिया, जिसके कारण क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आने के कारण बीट कम हो गए, जो हमें अल्टरनेट लाउड लो साउंड 4 बार सुनाई दे रहा था पर सेकेंड, वो 3 हो गया है घटकर। आई बात समझ में? तो हमें बताना है फोक की फ्रीक्वेंसी, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक। अंडरस्टूड द क्वेश्चन? बोलो भैया, सवाल समझ आया आपको? चलो, हाँ, अजम्पशन यही है कि टेम्परेचर से खाली एयर कॉलम पे फर्क पड़ रहा है, फोर्क पे कोई इफेक्ट हो रहा है नहीं दिया है। फोर्क क्या होती है, फोर्क मेटल से बनी होती है। आप देखो ना, खाली 5 डिग्री का डिफरेंस है, 5 डिग्री से मेटल को कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर हम बहुत ज्यादा उसको फ्रीज कर देते या हीट कर देते तो फर्क पड़ता था, समझ गए बात को? ठीक है, क्योंकि एयर में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है ना, कंपैरिजन इलास्टिक होते हैं मॉलिक्यूल, तो वो एब्जॉर्ब करते हैं उसको। चलो आते हैं हमारे अच्छा, किन चीजों पे रिलेशन निकालना है आपको समझ रहा होगा। टेम्परेचर फॉल हो रहा है, मतलब एक पैरामीटर टेम्परेचर है, और दूसरी चीज आपको बीट, बीट से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे फोक की, मतलब कहीं ना कहीं रिलेशन पता करना है बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर। अब ऐसा कोई तो हमारे पास वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, साइड में लिखकर बताऊं तो हमारे पास वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है, अंडर रूट गामा आरटी बाय एम, अंडर रूट गामा आरटी बाय एम, याद करो ये फॉर्मूला। ये हमने कब लिखा था, जब हमने लाप्लास करेक्शन न्यूटन फॉर्मूला पढ़ रहे थे ना, कि न्यूटन ने गामा लिखना भूल गया था, फिर लाप्लास ने इसको करेक्शन दिया था, एक्सेट्रा। ये फॉर्मूला यहाँ क्यों सटीक बैठता है, देखो मोलर मास तो चेंज नहीं होगा, आसपास जो मॉलिक्यूल पहले थे अभी भी वही है, आर तो कांस्टेंट है, और टाइप ऑफ मॉलिक्यूल भी वही है, मतलब अगर कोई गैस होगी तो वही गैस प्रेजेंट है, हमने एक्सपेरिमेंट में गैस चेंज नहीं किया। तो व्हाट वी कैन से दैट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी,
एंड ऑल्सो यू नो दैट वेलोसिटी कैन बी रिटन एज एन लैम्डा, वेलोसिटी कैन बी रिटन एज एन लैम्डा, समझ आई भैया बात? तो बोलो एन में और टी में क्या रिलेशन दिखाई दिया? तो सर एन में और टी में डायरेक्ट रिलेशन मिल गया, समझ आया कैसे जाना है? ठीक है चलो, तो पहले देखते हैं कौन आपस में टकरा रहा है। साउंड वेव्स जो इंटरफेयर हो रही है वो है फोक की है और दूसरी एयर कॉलम की है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या लिखना पड़ेगा, हाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी फोर्क की फ्रीक्वेंसी से कितनी ज्यादा है बोलो भाई? एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी फोर्क की फ्रीक्वेंसी से कितनी ज्यादा है जल्दी से बोलो? फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम एट 15 डिग्री, यहां लिख देता हूं मैं लगे तो, एट 15 डिग्री चार बीज बना रहे हैं ना, आई विल राइट n plus 4। व्हाट इज n? n मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क, यहां लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क। चाहे तो इसको इधर ले जाके देख लो, एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी में से n माइनस करोगे तो 4 आना चाहिए। आई विल रिपीट, एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी में से फोर्क की फ्रीक्वेंसी माइनस करोगे तो 4 आना चाहिए, n1 माइनस n2, राइट? ठीक है, ये हमारा पहला। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम एट 10 डिग्री, 10 डिग्री पे हमने एक्सपेरिमेंट किया तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आया, बीट 3 हो गए, अभी भी ये बड़ा है बट बीट थोड़े कम हो गए, तो कैन आई राइट n plus 3? बोलो भाई हाँ या ना, हाँ या ना? चलेगा, चलो फिर अब ये हमारा, इसको हम क्या करते हैं n1 नाम दे देते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको हम n1 नाम दे देते हैं n1, और इसको हम n2 नाम दे देते हैं। n1 मतलब 15 डिग्री पे, n2 मतलब, ठीक है ठीक है, फोर्क की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया है, हमारा अजम्पशन है। देखो पहले भी n थी अभी भी n है, एयर कॉलम में चेंजेस आए इसीलिए डिफरेंस में चेंज आया, एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आए इसीलिए यहाँ पे 3 और 4 चेंजेस आए, क्लियर? चलो फिर रिलेशन ढूंढते हैं, तो हम लिखेंगे वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कॉलम, हम एयर कॉलम के थ्रू ही जा रहे हैं, फोर्थ की फ्रीक्वेंसी के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, तो वी कैन राइट v इज इक्वल टू n लैम्डा इज इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट गामा आर टी बाय एम, ये एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी है, जनरल फॉर्मूला लिखा है। यहां से हम रिलेशन बना सकते हैं कि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ टेम्परेचर को, बोलो हाँ या ना? n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ टेम्परेचर को, दैट्स इट। अब लगा दो फॉर्मूला, 1/2 n1 अपॉन n2 का वैल्यू हो जाएगा फिर अंडर रूट t1 अपॉन t2, n1 अपॉन n2 का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट t1 अपॉन t2, विच इंप्लाइज, बोलो भाई n1 मतलब एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी 15 डिग्री पे क्या थी, n plus 4, n2 एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी 10 डिग्री पे n plus 3 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 मतलब 15 डिग्री, बट फॉर्मूला डिग्री केल्विन के लिए डिफाइन है, तो ऐड करना पड़ेगा 15 plus 273 अपॉन t2 10 plus 273। बताओ प्यारे बच्चों आपको यहां तक कैलकुलेशन समझ आई क्या? कमेंट करो भाई,
कमेंट फास्ट इफ यू हैव गेट दिस. ठीक है, तो ये शायद 288 हो जाएगा और ये 283 हो जाएगा. ठीक है, इसका कैलकुलेशन करना आपने अप्रोक्सीमेटली. हमारा जो n का वैल्यू आएगा, देखो तो सॉल्व करके क्या आता है, अप्रोक्सीमेटली 110 आता है शायद, ये 110.7, 110.7 आता है. अप्रोक्सीमेटली इतना आता है. ओके ठीक है, तो कोई खास चीज नहीं थी. एयर कॉलम जो पाइप में बनते हैं और ट्यूनिंग फोक, दोनों की फ्रीक्वेंसी को हमने कंपेयर किया और डिफरेंस देखा. पहले 4 दिया था, बाद में 3 दिया था. तो क्वेश्चन ने हिंट भी दिया हुआ था कि फोक की फ्रीक्वेंसी कम है और एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. तो हमने उसी रिलेशन को दो कंडीशन में लिखा, 15 डिग्री एंड 10 डिग्री, और उसको रिलेट कर दिया टेम्परेचर के साथ. टेम्परेचर के साथ V इज इक्वल टू एन लैम्डा या फिर न्यूटन फॉर्मूला गामा आर टी बाय एन. ठीक है भाई, तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इफ यू हैव एनी डाउट so let me know if you have any doubts. कोई भी प्रकार का डाउट हो तो बोलो 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 बोलो. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. तो मिस्टेक नहीं करना, जब स्प्रिंग पे सवाल आता है तो जनरली वी का फॉर्मूला अंडर रूट टेंशन डिवाइडेड बाय लीनियर डेंसिटी होता है. तो टेंशन वाला टी है और ये जो हमने लिखा है टेम्परेचर वाला टी. ठीक है, स्प्रिंग पे जनरली टेम्परेचर के क्वेश्चन नहीं आते हैं स्प्रिंग पे. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. वेवलेंथ ऑफ टू नोट्स, वेवलेंथ ऑफ टीडब्ल्यू टू नोट्स, NOTES नोट्स in air are 90 by 175 meter and 90 by 173 full stop. Each note produces NOTE note मतलब frequency produces 4 beats per second with the third note produces 4 beats per second with the third note of 6
फ्रीक्वेंसी ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के साथ दोनों आपस में चार बीट बना रहे हैं. कैलकुलेट कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. प्रश्न पढ़ो और मुझे समझाओ कैसे सॉल्व होगा. हाँ भाई मैं आपका साउंड अनम्यूट करता हूँ, लेट मी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. आप मुझे समझाओगे कि क्या बोला है, कैसे करना है. रीड द क्वेश्चन एंड बताओ मुझे कैसे क्या दिया हुआ है. अनम्यूट किया है मैंने, मैं रीड कर देता हूँ. वेवलेंथ ऑफ टू होप्स, आपको दो फ्रीक्वेंसी दी, दो फ्रीक्वेंसीज का वेवलेंथ दिया हुआ है. ठीक है, लैम्डा वन लैम्डा टू दिया है और दोनों वेव के बीच में चार बीट बन रहा है. नहीं, फिर से देखो, ईच नोट प्रोड्यूसेस फोर बीट पर सेकेंड विद दी थर्ड वन. इनके बीच में भी कोई तो भी एक फ्रीक्वेंसी है जिनके साथ ये, जिसके साथ ये आपस में चार चार बीट बना रहे हैं. समझ गया बात को, जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है थर्ड वाले की. हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर पता करना. बताओ भाई कैसे करना चाहिए. सिद्धेश, सुजल, विग्नेश. हेलो सर. हेलो सर. हाँ बोलो. मतलब इन दोनों के बीच में जो थर्ड नोट होगी ना उनके साथ, हाँ. इन मतलब उनके बीच का डिफरेंस फोर होगा क्योंकि फोर बीट्स पर सेकंड, तो उसे हम वो थर्ड नोट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, बट मुझे थर्ड नोट पता करने की कोई जरूरत नहीं है. ये देखो, थर्ड नोट से कोई रिलेशन नहीं है. चलो ठीक है, अगर दोनों से फोर फोर बीट तैयार कर रहा है तो टोटल एट बीट्स का डिफरेंस हो सकता है. वेरी गुड वेरी गुड, ये लॉजिक सही है. देखो ऐसे तीन पेन समझो हमारे पास में, वन टू थ्री, दोनों का आपस में डिफरेंस फोर है. जैसे वन टू का डिफरेंस फोर और टू थ्री का डिफरेंस फोर. हमें वन और थ्री से लेना देना है, वन और थ्री से, बीच वाले से नहीं. फोर और ये फोर, तो वन और थ्री आपस में कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहे होंगे, एट बिट. आई बात समझ, जिसको हम एन वन माइनस एन टू बोल सकते हैं या एन वन माइनस एन थ्री बोल देंगे, डजंट मैटर. समझ गए. और बस फिर फ्रीक्वेंसी को v बाय लैम्डा के फॉर्म में लिखेंगे, v इज इक्वल टू एन लैम्डा. v तो कॉमन रहेगा क्योंकि मीडियम तो चेंज नहीं हुआ है, लैम्डा वन लैम्डा टू तो दिया हुआ है. व्हाट इज द लॉजिक. ठीक है, तो मैं आपको एक फिगर से रिप्रेजेंट करके बता सकता हूँ. ये देखो, ये मान लो हमारा सेंडर वाली फ्रीक्वेंसी n है जिसको आप थर्ड बोल रहे हो. ठीक है, आजू बाजू की जो फ्रीक्वेंसी है ये देखो एन वन, और इसको एन टू ले लेता हूँ. आजू बाजू ये फोर बीट बना रहे हैं, ये भी और ये भी. देखो ईच नोट मतलब दोनों नोट प्रोड्यूस कर रहे हैं फोर बीट विथ थर्ड नोट जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है. आई बात समझ, ये फिक्स फ्रीक्वेंसी. हैव यू गॉट द डायग्राम, डायग्राम समझ आया आपको. अब ये भी सोच सकते हो कि n1 और n2 में कौन बड़ा है, तो वेवलेंथ से पता चलेगा, इनवर्स. ये देखो पहले वाले का वेवलेंथ छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो वेवलेंथ छोटा है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हायर होगी. यस सर नो, आई कैन राइट n1 माइनस n2 का वैल्यू 8 रहेगा. दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन द क्वेश्चन. व्हाट इट, चलो फिर v इक्वल टू n लैम्डा से What you can write? आप इसको क्या लिख सकते हो, v equal to n lambda से v by lambda one v by lambda two. Yes, we can write v by lambda one minus v by lambda two equal to eight. Equal to eight. That's it. काम खत्म. v common ले लो, lambda का value put कर दो. One upon lambda one क्या हो जाएगा? Direct बोलो. One upon lambda one क्या हो जाएगा? 175 upon 90. वेरी गुड.
1 अपॉन लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, 173 अपॉन 90 इज इक्वल टू 8। बस मेरा कर्तव्य यही था, आगे आंसर बताओ। अब कैलकुलेट एंड टेल मी द आंसर। हाँ भाई बोलो। क्या रहा है आंसर? यस, हाउ मच इज द आंसर? 360 आ रहा है मीटर पर सेकंड। अच्छा, 90 एलसीएम लिया तो ये वैल्यू 2 हो जाएगा, ये 8, 2 4 का 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 9, 360 मीटर पर सेकंड। स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 330, ये हमने कैलकुलेटेड वैल्यू निकाला है। आया क्वेश्चन समझ में? Any doubt here? चलो फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो प्यारे बच्चों, ओरली इसका आंसर देना है आपको। मान लो एक ट्रेन आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, यू आर एन स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ट्रेन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ट्रेन आपकी ओर आता है और थोड़े समय बाद में वो आपको क्रॉस कर लेता है, मतलब आपके ऊपर से नहीं जाएगा, डोंट वरी, हमारे हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और हमारे बाजू से ट्रेन पास हो जाएगा, क्या हुआ? बोलो 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 बोलो। ट्रेन अप्रोचेस स्टेशनरी ऑब्जर्वर एंड देन कुछ समय बाद, टाइम का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे दिया हुआ, देन ट्रेन प्रोसेस द मैन, द स्टैंडिंग मैन, स्टैंडिंग मैन आपको बोला है, प्लॉट प्लॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय ऑब्जर्वर, हर्ड बाय ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर वर्सेस टाइम। आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है, कौन सी फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही थी। तो मुझे बताओ, जब ट्रेन अप्रोच कर रहा था तो ऑब्जर्वर को कैसी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही थी, लेस देन एन या ग्रेटर देन एन? ग्रेटर देन एन। ग्रेटर देन एन, करेक्ट। कब तक? जब तक वो उसके प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचा, और जैसे ही प्लेटफॉर्म क्रॉस कर गया ट्रेन, उसके बाद में जो n डैश की वैल्यू है वो लेस देन n हो गई। यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो आपको प्लॉट करना है। और चलो ठीक है, मैं आपको चार ऑप्शन भी दे देता हूँ आपके आसानी के लिए, ठीक है, तो यू कैन आइडेंटिफाई। पहला ऑप्शन फ्रीक्वेंसी वर्सेस टाइम कर्व है सारे,
पहला ऑप्शन ऐसा है, दूसरा ऑप्शन ऐसा है F वर्सेस T, थर्ड ऑप्शन ऐसा है F वर्सेस T, और लास्ट ऑप्शन F वर्सेस T, लास्ट ऑप्शन ऐसा स्ट्रेट लाइन। इमेजिन करो सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक इमेजिन करो इनको, एंड टेल मी लेफ्ट साइड से ऊपर 1, 2, 3, नीचे वाला 4। सर फर्स्ट सेकंड में कोई तो होगा सर, थर्ड होगा, थर्ड होगा सर, सुजल थर्ड, थर्ड होगा, थर्ड थर्ड, बाकी लोगों का क्या बोलना है भाई? वेलोसिटी तो वैसे ही रहेगी ना। हाँ भाई विग्नेश एक्सप्लेन करो तो व्हाई यू आर टेलिंग द थर्ड ऑप्शन। सर नहीं, मैंने थर्ड नहीं बोला था, मैं ही कंफ्यूज हो गया। हाँ सुजल, सुजल ने बोला था। हाँ बोलो सुजल, व्हाई ऑप्शन थर्ड विल बी देयर। ट्रेन जब आ रही थी तब तक, हाँ। जब तक आप ट्रेन आप तक पहुंचेगी तब तक वो अप्रोचिंग टुवर्ड योरसेल्फ होगी, आपकी तरफ आएगी और क्रॉस करने के बाद आपसे दूर जाएगी, तो उसमें सिर्फ एक मेजर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आएगा और उसके बाद फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट क्यों है ये मुझे बताओ। देखो एक मिनट सुजल, मेरा सवाल क्या है ध्यान से सुनो। आते वक्त की और वो चेंज होगी जब आप ट्रेन क्रॉस कर रही होगी, वो जो डिफरेंस आया है थर्ड ग्राफ में वो आपके क्रॉस करने के बाद होगी। ओके आई विल काउंटर पार्ट यू, मैं आपको एक डाउट पूछता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे सुजल, तो सारे ग्राफ को अगर हम सिमेट्रिक माने, ये देखो सारे ग्राफ को अगर हम एक ऐसा सिमेट्रिक माने, तो लेफ्ट साइड में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और राइट साइड में फ्रीक्वेंसी कम है, एग्री कर रहे हैं क्या? ये देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट, इधर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग है, इधर फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग है। लेफ्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग, राइट पार्ट ऑफ द ग्राफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग, शायद ऑल ग्राफ में यही हो रहा है, यस सर नो? हेलो सर, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी सर, फ्रीक्वेंसी की बात चेंज होगी जब आपको क्रॉस होगी। हाँ सही जवाब है आपका, क्यों चेंज नहीं होगी, दैट इज माय क्वेश्चन। वेरी गुड, आपने सही बोला है सर, वो वेलोसिटी पर डिपेंड होती है ना, और टाइम पर कुछ तो कांस्टेंट ही है। हां यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, सही जवाब दिया आपने विग्नेश सुजल, के इट डिपेंड ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी, नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये प्योरली टाइम का फंक्शन नहीं है, यस और नो? यस सर, या इसको डिस्टेंस का फंक्शन भी नहीं बोल सकते हैं, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम के रेशो का फंक्शन है। अरे वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है? डिस्टेंस और वेलोसिटी के रेशो का, ध्यान देना, डिस्टेंस चेंज होगा टाइम भी चेंज होगा, रेशियो रिमेंस कांस्टेंट। अगर ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से आएगा तो हम अज्यूम करते हैं पूरे जर्नी में वो पहुंचने तक 10 मीटर ही पर सेकंड ही रहेगा, यस और नो? यहाँ भी ऐसे हो रहा है, जब तक वो अप्रोच करेगा हम फील करेंगे कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है लेकिन कॉन्स्टेंट है, आइडियल कंडीशन। ये देखो आइडियल कंडीशन, क्योंकि हमने कहीं भी फॉर्मूला में अलग से डिस्टेंस नहीं लिखा है कि भाई डिस्टेंस कम रहेगा या धीरे धीरे जब ट्रेन अप्रोच करेगा और डिस्टेंस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। नॉट अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अलोन, नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम अलोन। हाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम का फंक्शन बोल सकते हैं जिसको हम वेलोसिटी बोल रहे हैं, एग्री? तो व्हाट इज द अजम्पशन? आइडियली फ्रीक्वेंसी हायर रहेगी बिफोर अप्रोचिंग एंड क्रॉस होने के बाद में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। सबको समझ आया भाई? कल भी मैंने आपको इस चीज से थोड़ा सा फैमिलियर करवाया था कि सोर्स जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था तो उसमें डिस्टेंस का कोई रोल नहीं था, कौन क्लोज है कौन दूर है,
हमने सिर्फ इतना देखा था, हु इज अप्रोचिंग एंड हु इज मूविंग अवे। सर एक स्क्रीनशॉट। हाँ बोलो भाई। सर हम इससे, इस ग्राफ से मतलब वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं ना? ऐसा आया सर, वो डिस मतलब ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन, उन दोनों का बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा। हाँ तो सेंटर पॉइंट होगा वो वेलोसिटी ऑफ एयर होगी, साउंड साउंड इन एयर, F1 माइनस F2 का वैल्यू, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। और वो इनकी वेलोसिटी दोनों का डिवाइड कर बाय 2 डिस्टेंस। करेक्ट है, कर सकते हैं वैसा, बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट, क्लियर? हाँ सर। टाइम अपना है या एंड हो रहा है? चलो एक क्वेश्चन हो जाएगा और, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी आर 3% मोर एंड 2% लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ सी। फ्रीक्वेंसी ऑफ सी से रिलेशन दिया है, व्हेन ए एंड बी आर, आगे लिखा है ए एंड बी गिव, ए एंड बी को जब साउंड किया जाता है वो 5 बीट पर सेकंड देते हैं, 5 बीट पर सेकंड फुल स्टॉप। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर ए, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर ए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये। पढ़ो क्या लिखा है, ए की और बी की फ्रीक्वेंसी इनडायरेक्टली गिवन है कि जब हम ए को सी के साथ ट्यून करते हैं तो कितने परसेंट का डिफरेंस है, 3% का। तो मैं ड्रॉ करके देता हूं आपको। देखो ये ए है मान लो, ये सी है मान लो, और ये बी है। सी वाला को मिडल ले लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज की भाषा में बात कर रही है तो इसको अज्यूम कर लेगी 100%, अज्यूम, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो ए का फ्रीक्वेंसी इससे 3% ज्यादा है, तो बोलो भाई 3% बोले तो कितना हो जाएगा, 103%। और बी का इससे 2% लेस है तो हमारे लिए कितना हो जाएगा, 98%। करेक्ट, तो बोलो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5। ओके, आई विल राइट एन ए माइनस एन बी इज इक्वल टू 5%। ये वैल्यू आई है 5% की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी जब साउंड किए जाते हैं तो वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 5 बीट दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हाट इज गिवन टू मी, मुझे गिवन है कि एन ए माइनस एन बी का जो वैल्यू है वो 5 बीट है। कंफ्यूज मत होना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों 5-5 दिख रहे हैं, ये 5 अलग है, ये हमने कैलकुलेट किया है, ये 5 क्वेश्चन में गिवन है। हो सकता है यहाँ पे 10 भी दिया जाता है, डजंट मैटर, यहाँ से लाकर रख दो। बोलो क्या हो जाएगा, 5% की वैल्यू 5 बीट के बराबर। तो बोलो 1% की वैल्यू किसके बराबर, बीट मतलब हर्ट, 1% की वैल्यू 1 हर्ट के बराबर। क्या ये सबको समझ आया लॉजिक? हाँ सर। बोलो भाई अगर 1% 1 के बराबर है तो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी, 103 हर्ट्ज। ए इज इक्वल टू कितना, 103%। 1% 1 के बराबर, तो 103% किसके बराबर, 103 हर्ट्ज के बराबर। देखो क्वेश्चन समझ आया है। हो सकता है किसी और प्रॉब्लम में आपको एन ए माइनस एन बी 5 की जगह हो सकता है आपको 3 मिल जाए, 2 मिल जाए, तो उस समय वो कंपेयर करना कि भाई हो सकता है ये 2%
और ये 4%, तो 2% इक्वल टू 4%, 1% की वैल्यू 2 हर्ट्ज। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं हमेशा ये इक्वल आए, ठीक है, समझ गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो भैया, और यहाँ हम स्टॉप करते हैं, और वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा, डे बाय डे मैं अपलोड करते चल रहा हूँ। साउंड वेव्स में भी आपको नीचे मिक्स प्रॉब्लम्स करके दिखाई दे रहे होंगे, तो गो थ्रू दिस, प्योरली प्रॉब्लम्स है वहां पर, कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी गॉन थ्रू हो चुके, ठीक है। चलो फिर स्टॉप हेयर।